IP, eep sound words, and IT, eat sound words. IP, eep sound words, IT, eat sound words. So now everyone will take out Wings course book and Wings workbook. Dono book nikalni hai. Wings course book and Wings workbook. Wings course book and Wings workbook. So yesterday it was 10th February 2021. Ma'am. तो आपने मम्मी को याद नहीं करवाया कि मम्मा पहले यूनिफॉर्म ले लो, मैम डांटेगी. हाँ, अब से कहीं भी बाहर जाओ ना तो मम्मा को याद से यूनिफॉर्म रखने के लिए बोलने का. हाँ ठीक है चलो. तो yesterday it was 10 February, so today it will be, Kanika will tell me date. Kanika, आज की डेट कौन सी होगी? 11. जोर से बोलो. 11. Yes, and write 2. So today's date is 11-2, which year is going on 21. So 11-2-21. And which day is today? Aaj kaun sa day? Day, Friday, Saturday, Sunday. Aaj Sunday hai na? Yes, aaj Sunday hai. Wednesday. आज वेडनेसडे नहीं है. थर्सडे. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आज संडे है तो आप लोग क्यों आए हो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि संडे तो छुट्टी होती है. ओके, आज थर्सडे है इसलिए आप लोग पढ़ाई के लिए आए हो, है ना? यस और नो? Okay, now in Wings course book, take out page number 45. Good morning. Good morning. Our good morning is over now. Now we will learn some words on page number 45 in Wings course book. Wings course book nikalo. Wings course book, in that page number 45. Wings course book mein page number 45. Okay. Now you can see on the screen also IP. I का साउंड होता है E और P का साउंड होता है P. E P. How we will pronounce when we put together IP? We will pronounce as E. We will pronounce it as E. And next is IT words. I का साउंड होता है E. T का साउंड होता है T. Eat words. When we put together, it will pronounced as eat. IT eat. IPE. Now the first word. First is D. D ka sound hota hai. D. D. Ip. Deep. D. Ip. Deep. Deep matlab. Kon super early morning mein when you drink milk, do dip anything? Ma'am jab tea leti hai na in the morning, then ma'am dip biscuits in it. आप डीप करते हो? डीप मतलब डुबोना. व्हेन यू ड्रिंक समथिंग और आप ऐसे डीप करके खाते हो ना? नहीं करते? कनिका नहीं. हाँ मैम. यस मैम.
हाँ बिस्किट्स है, हाँ फिर ब्रेड है, फिर और क्या डीप करते हैं, वो पापड़ी आती है, वो पापड़ी। हाँ है ना, मैम भी डीप करती है ना, मैम भी डीप करती है, मैम इतनी बड़ी हो गई है ना, फिर भी मैम, फिर मम्मा वो स्नैक्स बनाती है ना, वो शक्कर पारे होते हैं, वो सब भी, फिर पूरी होती है, वो भी डीप करके खा सकते हैं ना हम लोग, दैट इज हेल्दी फूड, बिस्किट इज नॉट हेल्दी, तो दैट इज कॉल्ड डीप। डीप मतलब ऐसे डुबो, हाँ डीप मतलब डुबोना, सो द ईप डीप। नाउ नाउ नो वन, हाँ बेटा आप भी अनम्यूट मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज जिप, ज इप जिप, यशवी पटेल, पे अटेंशन ओवर हियर, यशवी पटेल, फिर पूछूंगी तो नहीं आएगा आपको, ओके सो पे अटेंशन, जेड का साउंड, ज इप मतलब जिप, ज इप जिप, व्हेन यू वेयर जीन्स, आपकी जो बैग है, इन योर बैग ऑल्सो देयर इज अ जिप, राइट, जीन्स में जिप होती है, देन इफ यू आर कैरिंग पाउच, पाउच ऑल्सो हैव जिप, राइट, ज इप जिप, यू कैन सी पिक्चर ऑफ जिप इन योर बुक ऑल्सो, ज इप जिप। नेक्स्ट इज टिप, ट इप टिप, ट इप टिप, ट इप टिप। नाउ इफ आई एम हैविंग दिस पेन, तो दिस इज कॉल्ड टिप, जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, दैट इज टिप, ट इप टिप। स इप सिप, एस का साउंड होता है, स स इप सिप, सिप मतलब हम लोग पानी पीते हैं तो मम्मा बोलते हैं ना, फास्ट फास्ट पानी मत पियो, सिप लेके पियो, स्लोली स्लोली, राइट, तो दैट इज कॉल्ड सिप। सी अ मैन इन अ पिक्चर इन योर बुक, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो सिप ले रहा है, थोड़ा थोड़ा ले रहा है पानी। ल इप लिप, ल इप लिप, लिप तो इट्स अ बॉडी पार्ट, तो कहाँ है लिप, शो मी ऑल ऑफ यू, कम ऑन, आप सबके लिप कहाँ है, यस मित्रा जी, यस, लिप मतलब ये होठ, लिप मतलब होठ। सो नाउ नेक्स्ट इज ह इप हिप, ह इप हिप, अपर पोर्शन ऑफ थाई, बैक साइड की जो होती है उसको हिप कहते हैं, ह इप हिप। नाउ वी विल रिवाइज ऑल द वर्ड्स वंस अगेन, द इप डीप, यू विल रिपीट आफ्टर मी, द इप डीप, द इप डीप, ज इप जीप, ज इप जीप, द इप डीप, द इप डीप, स इप सीप, स इप सीप, ल इप लीप, ल इप लीप, ह इप हिप, ह इप हिप। नाउ वी विल लर्न ईट वर्ड्स, आई टी ईट वर्ड्स, आई टी ईट वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज ब इट बिट, ब इट बिट, बिट मतलब टुकड़े टुकड़े होता है ना, हम लोगों ने वो राइम्स किए थे ना, बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर मतलब छोटे छोटे टुकड़े, राइट, उसको कहते हैं बिट। और जब हम खाते हैं ना, बाइट करते हैं, व्हेन वी टेक अ बाइट ऑफ अ फूड,
उसको भी बीट कहते हैं, पास्ट टेंस में बीट होता है. सर एट सीट, सर एट सीट. सीट मतलब आप सबको पता है राइट, अगर आप खड़े होते हैं तो मैम क्या कहती है, सिट डाउन राइट. व्हेन यू कम टू द स्कूल और आप बैठ नहीं रहे हो तो मैम बोलती है ना, कम ऑन एवरीवन सिट डाउन, टेक योर प्लेस. तो सीट मतलब बैठना. सर एट सीट, सर एट सीट. नेक्स्ट इज पिट, प इट पिट. पिट मतलब एक बड़ा सा होल, प इट पिट, प इट पिट, प इट पिट. नेक्स्ट इज क इट किट, क इट किट, क इट किट. किट मतलब चीज एक जगह इकट्ठी करते हैं ना, दैट इज जैसे मेडिकल की किट आती है राइट, टूल बॉक्स की किट आती है. इफ यू हैव व्हीकल तो व्हीकल में एक किट होती है जिसमें सब रखा होता है राइट, स्क्रू ड्राइवर होता है, फिर वो सब जो टूल्स रखते हैं, फर्स्ट एड किट होती है. व्हेन यू कम टू द स्कूल वी हैव फर्स्ट एड किट राइट, कि अगर आपको चोट लग गई है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट एड किट. मतलब कोई एक चीज जिसमें सारी चीजें रखी हो उसको किट कहते हैं. नेक्स्ट इज हिट, ह इट हिट, ह इट हिट. हिट मतलब मारना. देखो पिक्चर में है ना, वो बैट से क्या कर रहे हैं, वो हिट कर रहा है, मतलब ऐसे जोर से हिट करना. इट फिट, फ इट फिट. फिट मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फिट. अगर आप बड़े हो जाते हो तो आपको छोटे वाले कपड़े फिट होते हैं, यस और नो, नहीं होते हैं राइट. तो फिट मतलब एडजस्ट हो रहा है कि नहीं. आप नए कपड़े लेते हो तो आप यू टेक अ ट्रायल राइट, कि आपको फिट हो रहा है कि नहीं, लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है, इज इट प्रॉपरली इन फिट फिटिंग और नॉट राइट. तो उसको कहते हैं फिट, फॉर इट फिट. सो वी विल रिवाइज इट वंस अगेन. बट इट बीट, यशवी पटेल के यार ध्यान नहीं है आप सबका. बट इट बीट, स इट सिट, स इट सिट, बट इट बीट. यशवी पटेल आपके जो ब्रदर है ना उनको अंदर भेज दो मैम, क्योंकि ही इज डिस्टर्बिंग हर, टेल हिम टू गो इनसाइड. प इट पीट, क इट किट, क इट किट, ह इट हिट, ह इट हिट, एंड लास्ट फ इट फिट. Now everyone will take out their wings workbook. Workbook निकालेंगे आप सब लोग. Wings workbook. In that page number 82. Wings workbook page number 82. मैं नानी वाली तो मोती वाली, नानी के मोती. छोटी वाली बेटा, आप गुजराती में मत बोलो, यू कैन स्पीक इन हिंदी ओके. अगर इंग्लिश में ट्राई करो, इंग्लिश में नहीं आ पा रहा है तो एटलीस्ट स्पीक इन हिंदी ओके. स्मॉल वन, विंग्स वर्कबुक पेज नंबर 82, राइट टुडेज डेट. विंग्स वर्कबुक पेज नंबर 82, राइट टुडेज डेट. हियर वी विल राइट ओनली eat words and eat words okay. Ma'am, last two words hai eat. Ma'am, ha ma'am, ha kaun si wali ma'am,
हाँ देवांशी नंबर कना 82 विंग्स वर्कबुक पेज नंबर 82 विंग्स वर्कबुक पेज नंबर 82 राइट टुडेज डेट 11-2-21 राइट टुडेज डेट 11-2-21 Yes. Page number 82. Write today's date. Now we will read the heading. Put your finger on the heading. Read and rewrite these words. Read and rewrite these words. So the first word is da-ip dip. You need to speak and write da-ip dip. Beings workbook page number 82. Write today's date. First word is dip. Da-ip dip. Now today in our parents involvement activity, there is activity called बलून रॉकेट राइट तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बी रेडी फॉर इन द नेक्स्ट सेशन पहले ही हम करेंगे वो एक्टिविटी इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन तो व्हाट यू हैव टू डू आपको एक स्ट्रिंग लेनी है दोरी वन स्ट्रॉ बलून सेलोटेप और दोनों दोरी को आपको दो जगह टाई करना है ऐसे सीधी दिखनी चाहिए दोरी उसके अंदर स्ट्रॉ डाल देना और फिर टाई करना एंड बोथ द एंड्स कोई चीज से आपको टाई करना रहेगा ठीक है और बलून चाहिए बलून फुलाना नहीं है गांठ बांधनी नहीं है बलून को हमें बलून में गांठ नहीं बांधनी है तो सिर्फ बलून साथ में रखना वी विल ब्लो व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी ओके एंड जो स्ट्रॉ है उस पे टू साइड्स पे आपको लगानी है सेलो टेप ठीक है स्ट्रॉ के जैसे ये स्ट्रॉ है ये स्ट्रॉ है राइट तो स्ट्रॉ के यहाँ मित्रा म्यूट करो बेटा मित्रा म्यूट करो ओके जैसे ये स्ट्रॉ है इसके अंदर स्ट्रिंग डालेंगे कोई भी दोरी डालेंगे और फिर वो दोरी अलग अलग जगह पे सामने कहीं कोई चीज से आप टाई कर सकते हो चेयर है दो चेयर ले लो उसमें आप टाई कर दो तो दोरी ऐसी स्ट्रेट दिखनी चाहिए दोरी इसके अंदर से डाल के आपको टाई करना है ओके और फिर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे दो जगह आपको सेलो टेप लगा के रखो उसमें हम बलून चिपकाएंगे तो ज्वाइन नहीं करना है ऐसे ही अलग ही रखो ऐसी एक लगा दो और यहाँ पे एक लगा दो और फिर जब हम बलून ब्लो करेंगे फिर वो यहाँ पे हम उसको स्टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप बलून ब्लो करके नहीं रखना है और गांठ नहीं मारनी है ठीक है क्योंकि हमें वो ओपन ही चाहिए सिर्फ ब्लो करेंगे एट द टाइम वी विल डू एक्टिविटी ओके एम आई क्लियर विद दिस थिंग नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में ही हम करेंगे सो 10 मिनट्स का जो ब्रेक है उसमें आप सब कुछ प्रिपेयर करके रखना दो चेयर ले लो या तो एनी थिंग यू कैन टाई द स्ट्रिंग यू हैव टू पास द स्ट्रिंग थ्रू द स्ट्रॉ और उसके बाद आपको दो एंड पे टाई करना है और यहाँ पे एक सेलो टेप यहाँ पे एक ऐसे स्टैंडिंग में ही सेलो टेप लगाओगे उसको बंद नहीं करोगे ठीक है क्योंकि वहां पे हम बलून स्टिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप एंड डोंट ब्लो द बलून इन एडवांस अगर ब्लो करके रखना भी है तो गांठ मत बांधना हाथ में पकड़ के रखना ठीक है नेक्स्ट इज हिप 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 हिप
फिर नेक्स्ट लेटर इज नेक्स्ट वर्ड इज ल इप लिप 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 नेक्स्ट वर्ड इज सिप स इप सिप स इप सिप स इप सिप आई हैव कंप्लीटेड वेरी गुड अक्षत Then, her it hit. Ma'am, I have complete. Okay, forearm. Very good. Her it hit. Her it hit. Her it hit. Then, Ka it kit. Ka it kit. Ka it kit. Sa it sit. Next word is sa it sit. Sa it sit. Ma'am, I complete my homework. Ma'am, look, I have complete my homework. Oh, okay, Rachit. Very good. Sa ip sip. Thank you. Sa ip sip. Then so it sit like Anna. I'm okay. Okay. If you have completed, very good. Now I will give you 2-3 minutes more. Fir hum karenge. Fir hum game khelenge. Theek hai? Mom. Yes. Okay, beta, very good. Papa.